हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से, और आज आ रही है हमारी ताई जी अपनी दिल्ली को। चलो फिर फोन करते रहे तो अभी मैं पहुंच गई अपने खेतों में, और मम्मी ने यहाँ पे गुड़ाई करना स्टार्ट कर भी दिया है क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आई। मैं थोड़ा घर में काम कर रही थी, तो यहाँ पे अभी हम लोगों की गुड़ाई चल। तो आज हम लोगों ने ये गोड़ना है, इधर से हमने गोड़ दिया है, पर थोड़ा सा इधर साइड को बचा हुआ है थोड़ा सा, और मम्मी यहाँ पर गोड़ी है। और यहाँ पे हम लगाते हैं बनकुड़ी, मतलब जो ये घास के टील टाइप के रखे ना छोटे छोटे से, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं बनकुड़ लगाना। और यहाँ पे लगा रखा है चूल्हा, क्योंकि जब यहाँ पे मतलब सोयाबीन बो रखे हैं तो यहाँ पे जो सॉस होता है, खरगोश होता है, वो खा लेता है सोयाबीनों को, तो इसके लिए यहाँ पे चूल्हा लगाया जाता है। यह है पहाड़ी रिवाज कि ये यहाँ पे नहीं खाएंगे, मतलब सॉस बोलता है पहाड़ी में तो। और यहाँ पे हम लोगों ने सोयाबीन बोए हुए हैं। बादलों की ओर के ओर वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पिजोरे मेरे पास अभी गुड़ाई करना स्टार्ट करती हूँ। मेरा कुटावला आई है मम्मी, पता नहीं कहाँ पे रखा है, तो मांगती हूँ मम्मी से, उसके बाद मैं गुड़ाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मम्मी ने काफी यहाँ पे गोड़ दिया, तो मुझे भी मम्मी के बराबर पहुँचना होगा, तो फटाफट से गोड़ती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने यहाँ पे आधा खेत गोड़ दिया है, बस इतना सा बचा हुआ है, इधर को भी गोड़ दिया है और बस इतना बचा हुआ है। शायद आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर शाम को जाएंगे हम लोग दूसरे खेत में। और यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पे, यहाँ के धान होते हैं उसको हम रोपने लगाते हैं। यहाँ पे धान की गुड़ाई की जाती है, यहाँ पे 2-3 बार धान को गोड़ा जाता है, और तब यहाँ पे जाके धान कुछ अच्छे होते हैं। यहाँ पे अभी हम धान गोड़ रहे हैं, मम्मी यहाँ पे रोप लगा रही है, क्योंकि जो यहाँ पे गह हो जाता है तो उनको रोप लगा देते हैं कि दूसरी जगह भी हो जाता है फिर। और ये हमारी धान की खेती है, और सामने है मडवे की खेती यहाँ पे ताई जी लोगों की। दिन के 12 बज गए हैं, और अभी हम लोगों ने अपने खेत की पूरी गुड़ाई भी कर दी है खत्म, तो फटाफट चलते हैं घर को। और वहाँ तो दोस्तों अभी मैं दिन में ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं चली गई थी घर को, और अभी हम लोग जा रहे हैं खेत में, तो अभी ब्लॉग को फिर से मैं बना रही हूँ। तो अभी दिखाती हूँ यहाँ पे, यहाँ का मौसम अभी काफ़ी ठंडा हो गया है और बारिश आने का मौसम फिर से हो गया है, शायद अभी बारिश आ जाएगी। और हम लोग अभी जा रहे हैं गुड़ाई करने दूसरे खेत में, क्योंकि जो सुबह का खेत था वहाँ पे तो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो चलते हैं दूसरे खेत में, आपको अपना दूसरा खेत भी दिखाती हूँ। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े खेत होते हैं यहाँ पे हम लोगों के, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितने बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी हरियाली छाई हुई है। 2 दिन के बारिश से यहाँ पे काफ़ी अच्छी फसल हो गई है। और यहाँ पे देखो वो नीचे हो रखे तिल, यहाँ पे हम लोगों ने बो रखे हैं, हम लोगों ने मैंने ताई जी लोगों ने बो रखे हैं तिल। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने खेत में, और खेत की हालत काफ़ी गंदी हो रखी है, यहाँ पे झाड़ बहुत ज़्यादा हो रखा है, दिखाती हूँ। पेड़ है उधर से हम लोगों का खेत स्टार्ट है, और यहाँ पे देखो बिल्कुल भी इतना झाड़ हो रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे मडवे की खेती कर रखी है हमने, यहाँ तक हम लोगों का खेत है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मडवा काफ़ी अच्छा हो रखा है, पर यहाँ पे झाड़ भी काफ़ी हो रखा है, पता नहीं कितने दिन लगता है यहाँ पे गोड़ने के लिए, तो फटाफट से गोड़ते हैं वरना तो क्या ही। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने घर में, और आज हमारी पहाड़ी बाकी पूरी खाली है, कोई भी यहाँ पे नहीं है, सुनसान है, क्योंकि मेरे ताई जी लोग चले गए हैं दिल्ली को, और एक ताई जी तो आज चली गई थी, एक ताई जी परसों चली गई थी, तो यहाँ पे सुनसान ही लग रहा है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा पतलू बैठा हुआ है, पतलू ये देखो, ये हमारा पतलू सिंह, और यहाँ पे कोई नहीं है, अभी खाली हो रही है बाकी यहाँ पे।
आपको एक चीज दिखाती हूँ, बिना मेहंदी लगाए भी हाथ लाल हो सकते हैं। ये देखो, ये आजकल हम लोगों के हाथ इस प्रकार से हो रहे हैं, क्योंकि खेतों में हम लोग जैसे गुड़ाई करते तो उसमें जो भी निकलता है या मतलब जो भी घास निकलती है तो वो हमारे हाथों में उसका रंग ऐसे रह जाता है। तो हमारे हाथ आजकल कुछ ज्यादा लाल हो रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है तो हमारे हाथों में ऐसी मेहंदी लग जा रही है बिना मेहंदी लगाए। तो अभी हम लोग रात की तैयारी, खाने की तैयारी भी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय।